नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आज मैं आपके सामने वही सारी बड़ी खबर लेकर आऊंगी जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। जी हाँ, सभी तो वाकिफ हैं कि किस तरीके से जहांगीरपुरी में दंगे हुए, दिल्ली में एक बार फिर से दंगे हुए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जिस तरीके से एक बार पहले भी दंगे हुए थे दिल्ली में, आपको पता ही होगा जाफराबाद के दंगे, उसी तरीके से ये हिंसा भड़की जहांगीरपुरी में। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरें आपके सोशल मीडिया पर आपने देख ही ली होंगी, वीडियोस भी आपके सामने होंगे। पर संघियों के लिए ये ढोंग जो किया जा रहा है, ये संघी मानसिकता के लोग हैं जो इसमें झोंक दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो मिले हैं और दंगे वहाँ पर जो भड़काए गए हैं, जिस तरीके की मानसिकता द कश्मीर फाइल ने वो आज करके दिखा दिया है। जी हाँ, कश्मीर फाइल मूवी बनाई ही गई थी इसीलिए, जहाँ दंगे भड़क जाए, जैसा वहाँ पे क्रूर रूप मुसलमानों का दिखाया गया था और मुसलमानों के प्रति हिंसा दिखाई गई थी, उसी तरीके से यहाँ आज दिल्ली तक पहुँच गई है यूपी की आग, उस खरगोन की आग और उस राजस्थान की आग और उस गुजरात की आग आज दिल्ली में भी पहुँच गई है और धीरे धीरे ये पैठ करेगी आपके घरों में। जी हाँ, ये शहर तक, मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियो में कहा था, ये शहर तक नहीं, ये गांव तक नहीं, ये कस्बों तक नहीं, ये आपके घर पड़ोस और आपके घर को जला के राख कर देगी। और ये आग पहुंच चुकी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बड़े समझदार बनते होंगे और समझदार भी होंगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा किस तरीके से वहाँ पर हिंसा भड़काई गई, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया गया। और वहाँ पर जब पकड़े भी गए तो आप सोचिए, सबसे ज़्यादा मुसलमान ही पकड़े गए हैं। जी हाँ, लोग और ये पूरा पुलिस प्रशासन और पूरा जुडिशरी सिस्टम सड़ चुका है, गल चुका है, इसमें जंग लग चुकी है। लगातार वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं आपको सोशल मीडिया पर दिखा दूंगी, सोशल मीडिया पर जो जितनी भी तस्वीरें दिखाई गई हैं वो सब आपके सामने मैं दिखा दूंगी। वहाँ पर जिस तरीके से हिंसा हुई और लोगों में पथराव हुआ और जो छोटी उम्र के लोग, जो बच्चे हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं, हथियार हैं, पिस्तौल है, जी हाँ, वो ऐसे लहरा रहे हैं और ऐसे गर्व महसूस कर रहे हैं उन पिस्तौल को हाथों में लहरा कर, जैसे मानो उनको पूरे देश का ठेका दे दिया हो। जी हाँ, देश के ठेकेदारों ने ही उन्हें ही ठेका दे दिया है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगी और वो सब खबरें बताऊंगी। सबसे पहली खबर तो ये है कि जिस तरीके से संघी लोग ढोंग रच रहे हैं और ढोंग रचाकर नौटंकी करवा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के दिमाग में, सबसे ज़्यादा 15 से 20 साल के जो बच्चे हैं उनके दिमागों में ये हिंसा भड़काई गई है। जी हाँ, उन्हीं के हाथों में ये पिस्तौल लहराते हुए दिख रहे हैं, उन्हीं के हाथों में ये तलवार हैं, कट्टे हैं, जैसे अभी किसी को चीर फाड़ कर देंगे, अभी किसी को मार डालेंगे, किसी भी चीज़ का खौफ नहीं है इन्हें। किस तरीके से ये तलवार पिस्तौल लहरा रहे हैं, ऐसा ही नज़ारा हमने देखा था जामिया कॉलेज के सामने जब CAA NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था। गोपाल नाम का ही वो शख्स था जो 22 साल का था, पिस्तौल लहरा रहा था, सामने पुलिस मुख बंद होकर देख रही थी ये तमाशा। जी हाँ, एक ही समुदाय को लगातार टारगेट करने वाले ये लोग, ये संघी मानसिकता के लोग, दरअसल ये हिंदू मुस्लिम हिंसा करके ही पैठ बनाई इन्होंने सत्ता में, और आज इन्हें किस चीज़ का डर है? जब ये सत्ता में बने हुए तो फिर इन्हें किस चीज़ का डर है? इन्हें मालूम है ये वोट तो EVM हैक करके ले लेंगे, मगर लोगों के दिलों में ये पैठ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसी चीज़ का डर है उस सत्ता को, इसीलिए उसने खरीद रखा है पूरी जुडिशरी सिस्टम को, उन आला अधिकारियों को, उस पुलिस प्रशासन को जो एक एक इनके इशारों पर नाच कर काम कर रहा है। कहने को तो ढोंगियों के ढोंग करने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन ये संघियों की एक्टिंग की जो सीमा है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जी हाँ, ये कहाँ का न्याय है और कौन कहता है कि अगर भाई आपके मन में अगर भगवान है, श्री राम को आप मानते हैं तो मानिए, आप घरों में बैठ के पूजा करिए, स्थलों पर जाइए, अगर आपको मस्जिदों के सामने ही हनुमान चालीसा पढ़नी है तो भाई मंदिरों को बंद करवा दीजिए, उनमें ताले डलवा दीजिए, आप वहाँ बैठकर इस तरीके का ढोंग मत करिए। ये कौन ढोंगी लोग हैं, मैं आपको फुटेज दिखा दूंगी
और मेरे पास वीडियो अवेलेबल होगी तो मैं वीडियो भी दिखा दूंगी। किस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं और रोड रोक कर, रोड पर पूरे ट्रैफिक को जाम कर कर ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये किस तरीके का धर्म का ये ढोंग रच रहे हैं, किस तरीके की धार्मिक अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं ये लोग, कौन लोग हैं ये? जो सीधे सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं, ये ना ही रामायण को मानते हैं, ना ही ये हनुमान को मानते हैं, ना ही ये सीता माता को मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ दंगा ही इनकी जो रणनीति रही है वो ही है। ये सत्ता ने इन्हें भेज दिया है, इनको 150 रुपयों में, 500 रुपयों में, और सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं। इससे पहले भी मैंने बताया था और अब भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि इनके बच्चे तो जा रहे हैं स्कूलों में। मैं एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहूँगी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, देख लीजिए गौर से कि क्या आप अपने बच्चों का भविष्य यही बनाना चाहते हैं या स्कूलों में भेजना चाहते हैं। आप खुद तय कीजिए कि आप अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं, उनका भविष्य किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं। ये तस्वीर से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इससे भी आगे आपको बताती रहूंगी, आप सुनते रहिए बस, क्योंकि आने वाला टाइम जो है दस्तक दे रहा है आपके दहलीजों पर। आज ये आग यूपी से होते होते दिल्ली तक पहुंच गई है। धीरे धीरे आप यूं ही देखते रहिए बैठे बैठे, और यही तमाशा होता रहेगा इस देश में लगातार, अगर आप उठ खड़े नहीं हुए और अपने हक अधिकार की बात नहीं की। जी हाँ, ये संघी मानसिकता के लोग लगातार इस तरीके का ढोंग रच रच कर दिखा रहे हैं हनुमान चालीसा के नाम पर। हनुमान जी भी देखते होंगे तो रोते होंगे, कैसे मेरे भक्त हैं। जी हाँ, जिस तरीके से हनुमान जयंती थी, उस हनुमान जयंती को ये आराम से मंदिरों में भी बना सकते थे, मगर रोड़ों पर ढोंग रचा गया, हाथों में तलवार लहराई गई, हथियारों को ऐसे दिखाया गया जैसे मानो किसी तरीके का खौफ नहीं दिख रहा है उनके आंखों के आगे। किसी भी तरीके का डर नहीं है, किसी अदालतों का उन्हें डर नहीं है, किसी पुलिस का उन्हें डर नहीं है, आला अधिकारियों का उन्हें डर नहीं है। उन्हें मालूम है उन्हें संरक्षण प्राप्त है। ये किसके इशारों पर हो रहा है ये भी आपको पता है। जब ये आग आपके दहलीज तक पहुंच जाए तब सोचिएगा कि जब वो लोग, उनके साथ ये सब हो रहा था तो हमने आवाज़ें नहीं उठाई थी, आज वो आग आपके घर तक पहुंच जाएगी। कुछ मैंने आपको दिखाया, कुछ नमूने सड़क रोक कर हनुमान चालीसा का ढोंग कर रहे हैं, ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूंगी। और परेशान होने वाले भी इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। मुसलमानों से नफरत, इन्हें आर्थिक, बौद्धिक और मानसिक तौर से तीनों ही तरीके से इन्हें रोड़ों पर लेकर आ गई है। इनकी जो मानसिकता है उस मानसिकता को सड़ा दिया गया है, इनके दिमाग को एक ही तबके के समुदाय के लोगों से भर दिया गया है कि मुसलमान है, हमारे देश में मुसलमान है, रहना नहीं चाहिए, अजान नहीं होनी चाहिए, हलाल मीट नहीं चलेगी। सबसे ज़्यादा महंगाई मुद्दा है, पर आज मुद्दे वो ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही मुद्दा रह गया है। ये हनुमान चालीसा का, जहांगीरपुरी दंगों का भी खौफ ख़त्म नहीं हुआ था और इस तरीके का माहौल ख़त्म नहीं हुआ था, वहीं ये ढोंगी छत्तरपुर MP के बागेश्वर धाम का महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जी हाँ कृष्ण शास्त्री, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कथावाचक है, एक कथावाचक के मुंह से आप शब्द सुनिएगा, मैं ये वीडियो आपको दिखा दूंगी। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। अबे पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। कथावाचक कहता है सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो, कह दो हम सब हिंदू हैं और बुलडोजर चलाओ, हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और घरों पर चलाएंगे। इतना ही नहीं, इसने हथियारों की बात की है कि उन्हें मार दिया जाए, उन्हें जो, और इस तरीके से तुम हिंदू लोग जो बुजदिल बनकर बैठे हुए हो, उठो जागो और उनके घरों को तोड़ दो। इस तरीके की नफरत एक एक व्यक्ति द्वारा, इन गेरुए वस्त्र में बैठे ये भेड़ियों द्वारा फैलाई जा रही है। एक एक प्रसारण आप देख लीजिए टीवी पर, एक एक प्रसारण
सिर्फ एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है। सारा प्रसारण जो है और सारा कवायद जो है सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, और इसमें जो टारगेट किए जाने वाले एक समुदाय को टारगेट किया जाए, आप सोचिए संघियों की आप एजेंडा समझिए कि पहले तो एक समुदाय के लिए टारगेट किया जा रहा है, और जिन लोगों को बुलाया जा रहा है वो सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े लोग हैं। सारे के सारे उसमें जो 20 से 22 25 साल के जो को लड़के दिख रहे हैं, जो मस्जिदों पर चढ़ के झंडे लगा रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, एक जय श्री राम के नारे लगाने से ही जो है संविधान रचा जा रहा है, ये सबसे ज्यादा गरीब मजदूर और शोषित पीड़ित और दलित पिछड़े वर्ग के ही बच्चे हैं सबसे ज्यादा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने जब से एक ट्वीट किया है, जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं दिल्ली में शद्दुद के वाकियात आम हो गए हैं, क्या इन तमचाधारियों पर आर्म एक्ट नहीं लगेगा? आपकी पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, सबके सब मुसलमान हैं। जी हाँ, जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, उसमें सभी के नाम, वो लिस्ट मैं आपके सामने यहाँ जारी कर दूंगी, दिखा दूंगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय यानी कि मुसलमानों के ही नाम है, और वहां पर बोला भी यही जा रहा है पुलिस के द्वारा भी, और पूरा प्रसारण जो है, पूरा गोदी मीडिया जो है लगा पड़ा है, वो भी यही दिखा रहा है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पथराव जो किया वो मुसलमानों ने किया, जबकि शुरुआत इन संघियों द्वारा की गई, इन भगवा गेरुओं द्वारा की गई, और शुरुआत की गई वहां से, और उन्हें भड़काया जा रहा है कि इस तरीके का हिंदू मुस्लिम सौहार्द जो है, प्रेम जो है, वो खत्म हो जाए। उसके बाद दूसरा ट्वीट ओवैसी ने किया है, क्या हथियार लेकर खुलेआम घूमना, मस्जिदों को नापाक करने की कोशिश करना जब जुर्म नहीं रहा, देश की राजधानी में सरकार की ओर से एक तरफा कार्रवाई से दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है? कार्रवाई भी उन्हीं लोगों पर हो रही है, टारगेट भी वही लोग किए जा रहे हैं। किस तरीके की ये संघी मानसिकता के लोग हैं, किस तरीके से ये राजगद्दी पर आए, सिर्फ और सिर्फ दंगे भड़का कर ये गुजरात से आए, और आज वो दंगे भड़कते हुए दिल्ली में भी पहुंच गए हैं, और धीरे धीरे एक एक के घर को भी तहस नहस कर देंगे। ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी। किस तरीके से जहांगीरपुरी में ये दंगा फसाद किया गया एक मस्जिद के आगे, और वहाँ पर गेरुए रंग के ये वस्त्र पड़े हुए हैं, तोड़फोड़ मचाई गई लगातार, वहाँ ईंट पत्थर चलाए गए, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, ये वीडियो मैं दिखा दूंगी आपको। जय श्री राम, जय जय श्री राम, पत्थर को भी करते पानी, पत्थर को भी करते पानी। ये है इनकी पूजा पाठ और जय श्री राम। वो माता का झंडा आप देख रहे हैं जिसको ये लहराते हैं, गेरुआ झंडा आप देख रहे हैं जिसे लहराते हैं, वो यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, किस तरीके से यहाँ तोड़ फोड़ की गई है, और लगातार जय श्री राम के नारों पर नाचने वाले ये लोग और चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ किस तरीके की अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, उनके मुंह से जो है इस तरीके की गालियां तक निकल रही हैं। वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पे किस तरीके से गाड़ियां तक जला दी गई हैं यहाँ पे। अब लगातार जो है पकड़े गए जो लोग हैं वो मुस्लिम ही हैं, और जबकि आप ये देख रहे हैं, ये मैं आपको पिक्चर इस पे शो कर दूंगी, यहाँ पे फोटोज दिखा दूंगी, ये भगवा रंग के वस्त्र में खड़े, ये आप इनकी उम्र तय कर सकते हैं कि कितनी उम्र के ये हैं, इनके हाथ में हथियार आप देख रहे हैं, किस तरीके से ये हथियार लहरा रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और संविधान को राम राज्य पर लिखा जा रहा है, रचा जा रहा है, एक नया इतिहास देश में लिखा जा रहा है राम राज्य के नाम। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये यहाँ पर पिस्टल तक है, इन्हें यहाँ पर ये पिस्टल कहाँ से मिल गई है, ये हथियार इन्हें कहाँ से मिले, सोचने वाली बात है। क्या ये एक सूचीबद्ध है, पूरा तय किया हुआ
ये पूरा तय करके करवाया गया दंगा है। जी हाँ, ये दंगे भड़के नहीं हैं, ये भड़काए जाते हैं। ये पूरा सूचीबद्ध है किस तरीके से लोगों के हाथों में, इन बच्चों के हाथों में हथियार हैं, छोटी छोटी उम्र के ये लड़के हैं, इनके हाथों में तवलचे हैं, कट्टे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। सोचिए, अभी हम सिर्फ और सिर्फ जहांगीरपुरी के दंगों की बात कर रहे थे और सुन रहे थे, अभी किसी को पता भी नहीं है कि उत्तम नगर एरिया में भी इस तरीके के दंगे हुए हैं। दिल्ली के उत्तम नगर, एक यूजर ने यहाँ पर दिया है, दिल्ली के उत्तम नगर में हथियारों के साथ शोभा यात्रा का भयंकर दृश्य देखिए। दिल्ली वालों, बच बचा के रहो, बहन बेटियों के साथ साथ खुद को भी घर में बंद कर लो, वरना इनके हाथों में हथियार देखकर इनके इरादे तो समझ ही सकते हैं। सोचिए किस तरीके का इस देश में डर और खौफ पैदा कर दिया गया है। जहांगीरपुरी की हम बात कर रहे थे, लगातार जहांगीरपुरी की तस्वीरें सामने आ रही थी और अब जो है उत्तम नगर से भी इस तरीके का जो है खबर आ रही है। और इससे पहले भी तीन चार दिन पहले द्वारका इलाके में भी इसी तरीके की एक हिंसा हुई। हिंदू ही था जो गौशाला रखता था और वहां पर गायों को रखता था, तो यही भगवाधारी रंग के सेना पहुंची और वहां पर उसको मार देती है, उसको मार काट कर देती है। और ये बोला जाता है कि ये गौ मांस की तस्करी हो रही थी। सोचिए इन्हें ये खबरें मिल कहाँ से जाती हैं और कहाँ से पहुंच जाता है ये गुट का गुट पूरा। ये सूचीबद्ध हो रहा है, हमारे देश को तहस नहस किया जा रहा है एक संघी मानसिकता के द्वारा। अब ये वीडियो है, इसकी तस्वीरें होंगी, तस्वीरें भी मैं दिखा दूंगी, वीडियो है, यहाँ वीडियो में दिखा दूंगी। लिखा है, हनुमान जयंती पर विश्व हिंदू परिषद भवानी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मजार तोड़कर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। मैं बस, वो यूजर ये बोलती है, मैं बस यही सोच रही हूँ कि रामनवमी मनाओगे मस्जिद के सामने ठुमके लगाकर, हनुमान जयंती मनाओगे मजार तोड़कर, तो मंदिर किस लिए बना रखे हैं। अभी मैंने यही बात कही थी कि जिस तरीके से मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, मस्जिदों के आगे से जुलूस निकाले जा रहे हैं रामनवमी के, मस्जिदों को तोड़कर हनुमान की मूर्ति स्थापित की जा रही है, तो भैया आप मंदिरों पर ताला लगा दीजिए। मंदिर किस लिए बनाए हैं, ये किस तरह के लोग हैं, कौन लोग हैं ये जो लगातार इस तरीके की कवायद छेड़कर चल रहे हैं, संघी मानसिकता को जो है बढ़ावा दे रहे हैं और संघी मानसिकता ने इनके दिमागों को जकड़ लिया है। अभी एक वीडियो जो है सामने आया है, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो लड़का है, ये वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी, अवेलेबल होगा तो मैं वीडियो दिखा दूंगी आपको। ये जो चालीसा हो रहा है, ये चालीसा नहीं तो राम के समर्पण में हो रहा है, न हनुमान जी की भक्ति को जागृत करने के लिए हो रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट करके और पूरी दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं। आज तुम 7 साल के बाद आए हो और तुम जो है हिंदू मुसलमान हलाल झटका पटका लटका ये सब बोल बोल करके, ये सब नफरत फैला फैला करके यार तुम ये बताना चाहते हो कि हिंदू खतरे में है। ये लड़का ब्राह्मण है और जनेऊ पहनता है और उसने हकीकत बताई है काशी की, काशी में हुए। वो कहता है काशी में हुए हनुमान चालीसा को लेकर आपको बता दूं कि इस ब्राह्मण लड़के ने जो है भांडा फोड़ किया है, खुलासा किया है और हकीकत बताई है। यानी कि कुछ लोग जो हैं बचे हुए हैं, जो जानते हैं कि संगी मानसिकता के लोग क्या चाहते हैं और किस तरीके के सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, हमारे आपसी संबंध को खराब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काया जा रहा है, ये आप कब समझेंगे। इस तरीके की हम खबरें रोज सुन रहे हैं, रोज मैं सुनाती भी रहूंगी आपको और सुनाती भी हूँ, मगर क्या हम अपने आप से इस चीज की शुरुआत करेंगे कि हम इस तरीके के दंगे और इस तरीके की जो मानसिकता के लोग हैं उनको हटाएंगे, दूर भगाएंगे और अपने आपसी प्रेम को जो है स्थापित करेंगे, आपसी प्रेम को बढ़ावा देंगे। अभी तक तो एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा था, अभी आपको मैं ये वीडियो दिखा दूंगी और फुटेज भी दिखा दूंगी। सिर्फ एक यूजर ने लिखा है, सिर्फ अब्दुल पर वार नहीं होगा, भगवादारी गुंडों ने उड़ीसा में अंबेडकर जयंती के दिन बाबा अंबेडकर के अनुयायियों को नुकीले असलहों और डंडों से पीटा, 10 से ज्यादा गाड़ियां जला दी, संभल कर रहिए सबका नंबर आएगा। पहले तो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और जो इसमें दंगे भड़काने का काम संघियों द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें जो जिन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दलित और शोषित पीड़ित वर्ग से ही हैं, और फिर बाबा साहब की अंबेडकर की जयंती वाले दिन अनुयायियों पर भी इस तरीके के हमले किए जाते हैं। सोचिए किस मानसिकता के लोग हैं और आखिर क्या कर रहे हैं हमारे देश में।
इनका मकसद और मतलब समझिए आप। एक सत्ता के इशारों पर नाचने वाले ये लोग पूरे देश के सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। अब ये देखिए, ये वसीम शेख है मध्य प्रदेश का। जी हाँ, वसीम शेख है मध्य प्रदेश का। सरकार ने इसकी गुमटी तोड़ दी क्योंकि आरोप के मुताबिक उन्होंने शोभा यात्रा पर पत्थर चलाए थे, और जबकि वसीम के दोनों हाथ नहीं है। सोचिए ये लोग कौन हैं। सिर्फ एक ही कवायद इन्होंने छेड़ रखी है कि मुसलमान है और उसका नाम अगर अब्दुल है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर रवि है उसका नाम तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ये किस तरीके की हमारे देश में कवायद चल रही है आप सोचिए। 2005 में ही उसके हाथ कट गए थे, जो दंगा हुआ है ये जहांगीरपुरी में, उसमें उसका नाम दिया गया, पत्थरबाजी में उसका नाम आया है और वहाँ पर उसको अरेस्ट किया गया है, जबकि उसके दोनों हाथ नहीं हैं। इसी में एक खबर और है। मशहूर फर्नीचर डिज़ाइनर कुणाल मर्चेंट के मेल पर बॉक्स में पीएम मोदी की तरफ से उन्हें एक मेल पहुंचा, और उस मेल में लिखा हुआ है कि एक टेबल डिज़ाइन करने का न्योता दिया गया उन्हें। पीएम मोदी के लिए एक टेबल डिज़ाइन करने का न्योता दिया गया है, किसी डिज़ाइनर के लिए ये बड़ी बात है। लेकिन कुणाल ने इस मेल के जवाब में जो लिखा वो काबिले तारीफ है। मैं आपको बता देती हूँ जो उन्होंने उस मेल में लिखा था। कुणाल ने मेल का जवाब देते हुए लिखा, शुक्रिया मेरे काम को सराहने और मुझे इस अहम काम के लिए चुनने की खातिर, लेकिन मेरे राजनीतिक और सामाजिक ख्यालों की वजह से मैं ये प्रस्ताव ठुकराता हूँ। चलिए, किसी के अंदर तो कम से कम इस तरीके की मानसिकता नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि अगर मैं ये डेस्क बनाता तो मैं इसे स्वराज डेस्क का नाम देता। मैं एक गांधीवादी हूँ और अहिंसा में विश्वास रखता हूँ। मैं ऐसा कोई डेस्क नहीं बना सकता जिस पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ और उन्हें अलग थलग करने वाले फैसलों पर हस्ताक्षर किए जाएं। मोदी सरकार नफरती माहौल बना रही है, लेकिन मैं और अनेकता में एकता को बढ़ावा देना चाहता हूँ। याद रखिए, इतिहास नाजियों का साथ देने वालों और उनका साथ देने वालों को भी नाजी ही मानता है। उन्होंने अपने खत में आगे लिखा, आपकी सियासत दिखाती है कि आपके अंदर नफरत भरी हुई है। अगर मैं आपके दफ्तर के लिए टेबल बनाता हूँ तो ये मेरे दोस्तों, परिवार और स्टाफ के साथ धोखेबाजी होगी। जो अल्पसंख्यक दलित और LGBTQ बैकग्राउंड से आते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने एक खरा जवाब दिया और सीधे सीधे मेल पर ये लिख दिया, मैं इस ऑफर को ठुकराता हूँ। उसके बाद जो है, आप सोचिए गोदी मीडिया क्या चला रहा है कि इस तरीके का पीएम की तरफ से कोई मेल नहीं गया है। अब ये अफवाह है या सच है ये तो आप देखते ही रहिए, मैं आपको खबरें दिखाती ही रहूँगी। क्योंकि जब इनकी तरफ से मेल गया इस तरीके का और इन्होंने ठुकरा दिया उस ऑफर को, तो लगातार अब एक खबर चलाई जा रही है कि पीएम की तरफ से कोई मेल नहीं गया है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड मेल गया है। आखिर में चलते चलते मैं आपको बता दूं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो क्या कर सकते हैं। कहने में बुरा लगेगा लेकिन यह सच है कि हिंदी मीडियम वालों के कंधे पर हिंसा का भार लाद दिया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले गुंडे लाइफ का लुत्फ उठा रहे हैं और हिंदी मीडियम वालों को एक जीप पकड़ा दी गई है और हथियार पकड़ा दिए गए हैं कि लग जाइए, और एक गाना दे दिया गया है और लग जाइए अपने काम पर। जो बेरोजगार बैठे थे उन्हें रोजगार मिल चुका है और ये हिंदी मीडियम वालों को रोजगार मिला है, तो अच्छी बात है, लगे रहिए। बाकी मैं लास्ट में चलते चलते आपको यही कहूँगी कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपसी सौहार्द को ना बिगड़ने दें। इस देश में हर तरीके की राजनीति होती आई है, मगर हमारे हाथ में है कि हम इस सौहार्द को बनाकर रखें। रमज़ान के दिन है और आपसी मेल मिलाप करते रहिए दोस्तों, और आपस में अपने प्यार और मोहब्बत को बनाए रखिए। रमज़ान है, एक दूसरे के गले मिलिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपस में अपना प्रेम बढ़ाएं। जो सत्ताधारी लोग हैं, जो चाहते हैं, उनकी इस बात को और इस कवायद को तोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। इन जंजीरों को हमें तोड़ना होगा और खुद से पहल करनी होगी। और ऐसे में मैं आपको बता दूं, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और आप लोग मिलते रहिए, मिलाते रहिए। और इसी के साथ नमस्कार।